गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वॉचिंग टाउन बॉय। सो कल फाइनली मैं एवेंजर्स एंड गेम देख के आया। काफ़ी शानदार मूवी थी, मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रखा था कि वो नहीं है, इसमें सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म सब कुछ। तो काफ़ी शानदार मूवी थी, तो बहुत मज़ा आया, हाँ बड़ा मज़ा आया देखने में। तो मैं कुछ भी स्पॉयल तो नहीं करना चाहूँगा, बट थोड़ा एक रिव्यू देना चाहूँगा कि क्या क्या हो सकता है। मतलब जितने भी मार्वल फैंस हैं, इनके मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, या ये होगा वो होगा, तो आप जैसे सोच रहे हो बिल्कुल नहीं होने वाला। मतलब जितने भी प्रिडिक्शंस मैंने किए थे, मतलब जैसे सोच रखा था वैसे बिल्कुल नहीं हुआ। तो मतलब बिल्कुल ही अलग, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है उसमें। मतलब काफ़ी मज़ा आएगा आपको, आपको पूरा मार्वल, मतलब जो पूरा मार्वल है वो देखने को मिलेगा। तो जाओ जल्दी से जाके देखो, काफ़ी शानदार वीडियो, मतलब काफ़ी शानदार मूवी है। वाली वीडियो बोल गया, काफ़ी शानदार मूवी है, मज़ा आया बहुत देखने में। ये था मतलब पहले मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि पापा बिजी थे तो मैं जा नहीं पा रहा था। बहुत मन था वैसे जाने का, बट ये हुआ आखिरी दिन पापा का, मतलब कुछ हुआ नहीं, मतलब टाइम उस दिन फ्री निकल गया 26 को। तो मैंने मतलब चेकआउट किया मूवीज टिकट्स, तो दो सीट्स खाली थी, मैं और मेरे भाई को देखना, पापा को काम भी था वहाँ पे उस एरिया में। तो मैं और मेरा भाई दो सीट्स बुक की मैंने, और आगे की सीट्स को ले तो मिलनी थी, आगे की सीट्स मिली। तो वहाँ पे गए, देखा, ये था कि पीछे दो सीट्स थी, वहाँ पे आया कोई नहीं। देखो ये समझ में आया पीछे की दो सीट्स खाली कैसे। तो इंटरवल के बाद मैं उधर जाके बैठ गया, मैंने कहा क्या दिक्कत है, कोई नहीं आ रहा तो बैठ ही जाते। वहाँ से भी देखा कोई, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता आगे बैठने में भी। तो जनरली लोग बोलते हैं कि आगे से बहुत क्लियर दिखता, बहुत बड़ा बड़ा दिखता, पास पास दिखता, बट उतना बुरा नहीं दिखता। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को, 3D तो रहते ही अच्छा लगता। तो IMAX 3D में देखना है, मतलब देखा नहीं है, बट बड़ा मज़ा आया मूवी देखने में। मतलब इतना एपिक था कि मतलब इतनी शानदार वीडियो थी कि मज़ा आ गया बिल्कुल देख के। और मैं भी आप लोगों से कहूँगा जल्दी जाके थिएटर में देखें, कि आपकी मतलब मूवी कोई स्पॉइल अगर हुआ तो जल्दी से जल्दी जाके देखें आप लोग, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। मतलब ये है कि बहुत से लोग जिनने मतलब मार्वल की पहली मूवीज़ और भी चीज़ें देखी नहीं है, तो उनको थोड़ी चीज़ें समझ में ना आए, बट ये है कि काफ़ी सही चीज़ है। तो बहुत मतलब एक तो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि मेन जो रहती है डबिंग, हिंदी डबिंग इतनी मतलब बहुत अलग ही लेवल की करते हैं, इतनी फनी हो जाती है वो, मतलब डबिंग बहुत अलग तरीके की करते हैं, यहाँ पे इतना मज़ा आता है उसको देखने में। मतलब आप लोग फील ले सकते हो कि ऐसा लगता है कि वो मूवी इंडिया में बनी। तो मतलब डबिंग बहुत शानदार होती है, इतनी फनी बहुत होती है, तो उसमें मज़ा आता है। मतलब बहुत तो एक्शन तो हो गया होगा, मार्वल की मूवी बहुत शानदार एक्शन है, तो देखना। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। तो गाइस जल्दी जल्दी जाके देखो। लास्ट में गाइस यही कहना चाहूँगा, आई लव यू 3000, ये चीज़ ने मेरे को रुला दिया था मूवी में, बस यही सेंटेंस। तो देखो जाके पता लगाओ ये है क्या। तो गाइस बाय बाय, लव यू 3000। एक बात तो बोलना ही भूल गया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया आपको, मतलब और नीचे कमेंट में बताओ कि आपका क्या क्या प्रिडिक्शन है, क्या क्या मतलब हो सकता है। अगर कोई प्रिडिक्शन आपकी सही निकली तो मैं उसको लाइक करूँगा, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको भेजो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। नया हूँ, अभी सीख रहा हूँ, बस आते रहेंगे कुछ ब्लॉग्स वगैरह बाद में आएंगे, और वीडियोज़ आते रहेंगे, रोस्टिंग वगैरह भी सोच सकता है मैंने, तो फ्यूचर में देखेंगे क्या कर पाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू 3000।